आ चुके हैं गाइस एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना होगा, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उसे कॉलेज में जाके क्या करना होगा, उसके बाद कितने नंबर के काउंटर पे आपको अपना फॉर्म जमा करना होगा और कितने नंबर के काउंटर पे आपको अपना एडमिशन फॉर्म मिलेगा और काउंसलिंग के बाद आपको क्या क्या करना होगा, यही सब जानकारी दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गाइस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके। बट दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइस अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी। माई नेम इज पीयूष गुप्ता। तो ये है गाइस हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यानी कि जिनका अभी तक एंट्रेंस नहीं हुआ है, सॉरी जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है और उनको काउंसलिंग के लिए जाना है तो उनको क्या क्या करना है, और काउंसलिंग के बाद वाले लोगों को भी मैं बताऊंगा कि आपके आगे के क्या प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका काउंसलिंग में जाना है और उनको क्या करना है। तो यहाँ पे बता दें मैम सभी लोगों को कि काउंसलिंग में आपको अपना काउंसलिंग लेटर लेके जाना होगा, क्योंकि इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको काउंसलिंग लेटर अपने वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, उसे डाउनलोड करके आपको अपने एंट्री के लिए वहाँ पे ले जाना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आपको काउंटर नंबर 10 पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको काउंटर नंबर 10 पे आपका एडमिशन फॉर्म मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया था और आपके काउंसलिंग लेटर में दिया गया है उसको आपको साथ में अटैच करना होगा, और उसके बाद आपको अपना काउंसलिंग बलरामपुर हॉल में लिया जाएगा। वही फॉर्म काउंसलिंग के बाद आपको अपने फीस काउंटर पे अपने फीस के साथ जमा करना होगा, जो आपके कोर्स के लिए बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के बाद आपको अपना फॉर्म और आपका जो फीस रहेगा उसको पेड करने के लिए आपको जाना होगा। कहाँ जाना होगा ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म और फीस को लेकर आपको काउंटर नंबर 15 पर जाना होगा, वहां पर आपका फॉर्म और फीस को सबमिट करना होगा गाइस। जी हाँ दोस्तों, काउंटर नंबर 15 पे जाना होगा और उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसे आप फीस कार्ड कहते हैं। तब आपके एडमिशन का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और आप टीडी कॉलेज के स्टूडेंट माने जाओगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है ये आपके जो लोग काउंसलिंग में जाएंगे उनके लिए बताया है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का काउंसलिंग हो चुका है उन्हें अब क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कार्ड दिया जाएगा और जिसे आप फीस कार्ड कहते हैं, तब आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी और आप टीडी कॉलेज के स्टूडेंट माने जाओगे। अब बारी आती है जिनका काउंसलिंग हो चुका है। एडमिशन के बाद आपको बताया जाएगा, या कुछ लोगों को अभी ही पता चल गया होगा कि क्लास कब स्टार्ट होंगे। क्लास स्टार्ट होने के बाद कुछ दिनों बाद आइडेंटिटी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाना होगा तभी आप स्टूडेंट क्लास के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी जहां पर आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना होगा और आपको एक सीमित डेट भी दी जाएगी ताकि आप जल्द से जल्द आइडेंटिटी कार्ड बनवा लें। और फिर वहीं पे बात आती है गाइस कि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना रहेगा तो उनको कॉलेज में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी गाइस। और इसी के दौरान गाइस सभी लोगों को ये भी बताया जाएगा कि आपको अपना ड्रेस बनवा लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास के दौरान आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपना ड्रेस बनवाना होगा, आपको नोटिस भी दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना ड्रेस बनवा लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको अपना ड्रेस कैसा बनवाना है। तो यहाँ पे गाइस तिलकधारी पीजी कॉलेज में छात्र के लिए काले रंग का पैंट और सफेद रंग शर्ट होगा और छात्राओं को पूरा सफेद सूट उनको अपना बनवाना होगा, जो कि यहाँ का ड्रेस है गाइस। आप तभी उसके बाद क्लास करने के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे गाइस। तो कुल मिला के दोस्तों आपको काउंसलिंग के बाद पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होगा, फिर उसके बाद आपको अपना
ड्रेस बनवाना होगा तब आप एलिजिबल होंगे क्लास करने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्लास के दौरान ही आपको अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाना होगा। लाइब्रेरी कार्ड आपके लिए सबसे अच्छा बात ये यहाँ पे दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा के अपने बुक्स को इशू करवा सकते हैं जो कि आपके क्लास के सब्जेक्ट के होने चाहिए, और आप उसे इशू करवा के आप लिमिट टाइम के लिए ले सकते हैं और उसे पढ़ के जमा कर सकते हैं। एक बुक आप जब जमा करेंगे तो आप दूसरे के लिए भी एलिजिबल होंगे, और यही है, यहीं से आपकी स्टडी की जर्नी स्टार्ट होगी गाइस। तो ये था गाइस आज का हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो आया ही होगा गाइस आप लोगों को, ये मुझे पता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कराएगा जो मैं आपको आज बताया हूँ गाइस। इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।